Hello everyone, this is Kiran Mataru, your online teacher. First of all, I welcome you all on your own YouTube channel, Your Classroom at Home. I really wanted to thank you all for watching our video lessons. As you know, we have already completed our syllabus up to August. So for this, you have to subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that you can get all the notifications of coming videos. वंस अगेन थैंक यू सो मच। हाँ जी बेटा, अज आप सिविक्स के नागरिक शास्त्र के जोड़े लैसन है वो स्टार्ट करा। इस तो पहला आप जियोग्राफी के जोड़े कर चुके हैं, ठीक है। तो अज आप लैसन नंबर 24 संविधान और कानून ये चैप्टर के एम सी क्यूज करा, तो इन्हों एक्सप्लेन भी करा। हाँ जी, फस्ट क्वेश्चन हैगा, एक दिन वरिंदर ने अपने दादा जी ने पूछा कि उन्होंने जन्म कदों होया। तो वरिंदर के दादा जी ने दसिया कि उन्हों का जन्म जो भारत पाकिस्तान की वंड हुई सी उस साल दौरान होया। कि तुम दस सकते हो कि भारत की वंड कदों हुई सी, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो यह आंसर हरेक बच्चे ही आता होना, है ना। हाँ जी, चार ऑप्शन दिती हुई हैं, 1946, 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी न, या फिर 1949 ईस्वी न। सो यह आंसर तो तुम सारे पता ही है, है ना, कि कदों भारत आजाद होया सी 15 अगस्त 1947 नू, ते उसे टाइम ही भारत दी ते पाकिस्तान दी वंड हो गई सी, है ना। इस तो पहला भारत पाकिस्तान इकट्ठे सी, पर 15 अगस्त 1947 नू भारत अलग हो गया सी ते पाकिस्तान अलग हो गया सी, ठीक है। तो ये रिलेटेड आप बहुत सारिया मूवीज़ भी देखिया, है ना, फिल्मा भी देखिया हुई हैं, जो उस टाइम की पार्टीशन नू दिखाया गया, है ना, कि बहुत सारे लोग इधरों उधर जा रहे हैं। पाकिस्तान के जोड़े मुसलमान से जोड़े पहला भारत रेंदे से वह पाकिस्तान नू जा रहे हैं, तो जोड़े उधर रह रहे सिख या हिंदू वो सारे अपने घर छड़ के वापस इधर आ रहे हैं, है ना। तो यह आंसर है 1947 ईस्वी। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे तो असं सारिया ने सुनिया ही होगा। भारत के संविधान के निर्माण में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई सी, कि तुम दस सकते हो कि हेठ लिखिया वह कौन सी। हाँ जी, हुण डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के बारे भी सारे ने सुनिया होया, है ना, तो तुहानू आइडिया हो जाना नीचे वाले ऑप्शन नू पढ़ के कि वह कौन सन। नंबर 1 हैगा भारत के पहले प्रधानमंत्री, नंबर 2 पहले सिक्ख्या मंत्री सन, नंबर 3 मनुखी अधिकार कमीशन के मुखी सन, या नंबर 4 संविधान की मसौदा कमेटी के प्रधान सन। हाँ जी, सो पता ही होगा, है ना, कि संविधान की मसौदा कमेटी के प्रधान सन। सो नंबर 4 जी आंसर सही हैगा, ये हैगी है पिक्चर डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की, ठीक है। इन्हों तुम देखा ही है सारे। हाँ जी, हूँ मसौदा कमेटी की नियुक्ति, इतने स्पैलिंग गलत है, मसौदा कमेटी के इनू करैक्ट कर लियो, ठीक है। हुण जदों संविधान बनाउणा सी तां उस तों पहलां एक कमेटी बनाई गई सी, सो उस कमेटी का नाम मसौदा कमेटी सीगा, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो संविधान नूं नियमित रूप देण दे लई 29 अगस्त 1947 नूं डॉक्टर बी आर अंबेडकर की प्रधानगी हेठ एक 7 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी, ठीक है। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उन्हां दे प्रधान सी कमेटी दे, ते कमेटी का नाम सी मसौदा कमेटी, जा इंग्लिश कह दो ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो कदों बनी सी ये याद रखियो, 29 अगस्त 1947 नू, ते इहदे च किन्ने मैंबर सीगे, 7 मैंबर सी। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस है, ठीक है। 7 मैंबरां दी कमेटी सी, ते इस कमेटी ने की कीता सी, इन्हां ने की कीता, सारे देशां दे जिहड़े पहलां तों जिहड़े आजाद देश सीगे उन्हां दे संविधानां दा अध्ययन कीता, ठीक है। बहुत सारे सिद्धांत दूजे देशां दे संविधानां तों लए, तो इस संविधान सभा के कुल 11 समागम हुए सी, ठीक है। हाँ जी, किन्ने समागम हुए सी टोटल, संविधान सभा के 11 समागम हुए सी। तो किन्ने समय में भारत का जोड़ा संविधान से उन्होंने तैयार किया गया सी, ये भी याद रख लो, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आता होंगे कि भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समा लगा, ठीक है। सो इन 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा सी, ठीक है। सो लगभग 3 साल, ठीक है, सो ये भी याद रख लेना, ठीक है। सो इन्ने क्वेश्चन ये आ जाते, पहला कि डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जोड़े से वह मसौदा कमेटी के प्रधान से, ठीक है। तो कदों बनी सी, 29 अगस्त
1947 किन्ने मैंबर से इस कमेटी के 7 मैंबर से ते करना की सी इन्होंने वक् वक् देशों के जोड़े पहला संविधान बन चुके से उन्होंने अध्ययन करना सी क्योंकि उस तो बाद इन्होंने वो संविधान के जोड़े भी अपने संविधान के लिए वधिया लगे पॉइंट्स है ना उन्होंने नोट किया जड़ियाँ चीज़ा दूजे देशों के संविधान वधिया से उन्होंने अपने संविधान लिए चुने ठीक है। तो उस तो बाद संविधान सभा के किन्ने समागम होए 11 समागम होए तो कि समा लगा संविधान तैयार होने 2 साल 11 महीने 18 दिन का समा लगा सी संविधान तैयार होने ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3 साढ़े भारत के संविधान का निर्माण करने लिए एक कमेटी बनाई गई सी जिस दे 7 मैंबर सन कि तुसी दस सकदे हो कि कमेटी के किन्ने समागम होए सी। हाँ जी आप हुणे पिछले क्वेश्चन के पढ़ के आए हैं कि किन्ने समागम होए सी 9, 10, 11 या 12 किन्ने होए सी 11। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4 31 दसंबर 1929 हेठ लिखियां नदियां दे कंडे ते पंडित जवाहर लाल नहरू की अगवाई विच पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मता पास किया सी ते ए घोषणा की सी कि 26 जनवरी 1930 का दिहाड़ा सारे भारत में सुतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कि तुसी उस नदी का नाम जानते हो? हाँ जी उस टाइम नदी के किनारे ते बैठ के उन्होंने स्वराज का पूर्ण स्वराज का मता पास किया सी। हाँ जी किहड़ी नदी सी ये? रावी सी, ब्यास, गोदावरी या कृष्णा? सो ये नदी सी रावी नदी। 26 जनवरी की महत्ता बारे 31 दसंबर 1929 रावी के कंडे पंडित जवाहर लाल नहरू की अगवाई में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मता पास किया अते घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 का दिहाड़ा सारे भारत में सुतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तो बाद हर साल 26 जनवरी का दिहाड़ा संपूर्ण आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। उदों तो ही 26 जनवरी की इतिहासिक महत्ता कायम रखते हुए भावें संविधान 26 नवंबर 1949 तैयार हो गया सी ते पंडित नेहरू की अगवाई में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मता पास किया सी। क्वेश्चन नंबर 5 समाजिक जीवन को निश्चित करने लिए कानून का होना बहुत जरूरी है इसे करके भारत में कानून का शासन लागू होया जो कि डैश अनुसार होया। हाँ जी हुण भारत दे विच कानून दा राज हैगा। कानून दा राज दा मतलब कि जदों सारे जिहड़े काम आ उह कानून दे अनुसार हुंदे आ ठीक है ते कानूनां नूं जो नहीं मनदा उसनूं फिर सज़ा मिलदी। ते सारा कुछ किस दे विच वर्णन कीता गया? प्रधानमंत्री दे द्वारा, राष्ट्रपति दे द्वारा, संविधान दे द्वारा जां वोटां दे द्वारा। ते आपां नूं पता कि इह कानून दा राज जां कानून दा शासन जिहड़ा लागू कीता गया उह संविधान दे अनुसार ही किया गया है ठीक है। तो संविधान की होंदा है ये भी देख लेने। हाँ जी हुण हैगा संविधान अर्थ। संविधान मीनस कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की है? संविधान वो कानूनी दस्तावेज है जिस अनुसार देश का प्रशासन चलाया जाता है ठीक है। संविधान अनुसार ही केंद्रीय सरकार ते प्रांतां दीयां सरकारां शासन चलाउंदियां हन। देश की सरकार संविधान अनुसार ही राज प्रबंध चलाउंदी है। संविधान देश के दूजे कानूनों तो सर्वोच्च हुंदा है। आज़ादी मिलन तो बाद भारतीय नेतावान ने एक संविधानिक कमेटी की रचना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई प्रधान बनाया गया। यह संविधान सभा पूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न बनाई गई ते संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दसंबर 1946 हुई। हाँ जी हुण जे कोई पुछदा तुहानू भी संविधान की हुंदा तां तुसीं की लिखोगे? कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज हुंदा जिस दे अनुसार किसी देश का प्रशासन चलाया जाता है ठीक है। इसे सारी ही सरकारां केंद्रीय सरकार ते राज सरकारां उहदे अनुसार ही अपना शासन प्रबंध चलाउंदियां हैं ठीक है। चलो नैक्सट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 इस दिन साडा संविधान लागू होया सी। इह दिन सारे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कि तुसीं इस दी मिति दस सकदे हो? हाँ जी हुण संविधान लागू कदों होया सी? की आंसर है इहदा? 26 जनवरी 1950 ठीक है। ते संविधान जे क्वेश्चन आ जांदा कि संविधान पास कदों होया सी तां फिर की आ? 26 नवंबर 1949 ठीक है। ते पास कदों होया सी? 26 जनवरी 1950। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 कानून लागू करन दा काम सरकार दे केड़े अंग द्वारा किया जाता है? हाँ जी हुण हैगा पहला सरकार दे केड़े केड़े अंग हुंदे आ?
सरकार दे मेनली तीन अंग होंदे आ, ठीक है। एक होंदा कार्यपालिका, दूसरा होंदा विधानपालिका, तो एक होंदा न्यायपालिका। इन्हां दे विच्चों तिन्हां दे अलग अलग काम आ, ठीक है। एक दा काम होंदा कानून बनाउणा, दूसरे दा काम होंदा लागू करना, तो तीसरे दा काम होंदा न्याय देना, ठीक है, कानूनां दे अनुसार न्याय देना। सो इहदे विच्चों विधानपालिका दा काम की हैगा, विधानपालिका दा काम आ कानून बनाउणा, ते कार्यपालिका दा काम आ कानूनां नूं लागू करना जां पास करना। ते उस तों बाद आ जांदी न्यायपालिका, इहदा काम हैगा कानूनां दे अनुसार न्याय देना, ठीक है। सो इहदा आंसर हैगा कार्यपालिका। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 9, जीतू दे वड्डे भरा दा विआह रख्या होया सी, उसके सहुरे वालिया ने उसनों पूछया कि वह दाज विच की लैना चाहुंदा है। तो जीतू दे भरा ने कहा कि वह दाज नहीं लवेगा क्योंकि इस कुरीति नूं एक कानून द्वारा जुर्म करार दिता गया है, ठीक है। सो की तुसी उस कानून का नाम दस सकते हो? हाँ जी, हुण वैसे आपां नूं पता है कि दाज लैना भी ते देना दोनों ही अपराध है। तो दाज नूं क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े आ दाज दिंदे आ, तो उन्हूं रोकण दे लई एक कानून बनाया गया सी, ठीक है, जिहनूं आपां कह दिंदे आ दाज रोकू कानून 1961, ठीक है। सो इहदे अधीन कोई भी व्यक्ति किसी तो दाज नहीं लै सकता, ठीक है। दीपक दे दादा जी अक्सर उसनों महात्मा गांधी जी दीयां कहानियां सुनाउंदे रहिंदे सी। एक दिन उन्होंने दस्या कि जदों गांधी जी ने भारत छड्डो अंदोलन चलाया तो उन्होंने भी उस अंदोलन विच हिस्सा लिया सी। कि तुसी दस सकदे हो कि यह अंदोलन किहड़े साल विच होया सी? हुण दसो भारत छड्डो अंदोलन कदों चलाया गया सी? हाँ जी, चार ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, 1940, 1942, 1944 ते 1946। हाँ जी, हुण तुसी दसना कि यह अंदोलन कदों चलाया गया? हाँ जी, इहदा सही आंसर हैगा 1942, ठीक है, 1942, ठीक है। क्योंकि इस टाइम महात्मा गांधी दे नाल बहुत सारे लोग आके मिल गए सी, ते उन्होंने कहा सीगा कि हुण अंग्रेजों तुसी साडा देश छड के जाओ, ठीक है, ते भारत नूं छड दो, खाली कर दो, ते हुण असी अपना जिहड़ा देश दा शासन प्रबंध है वो आप चलावांगे, ठीक है। सो यह 1942 दे विच होया सीगा। जी हुण हैगा भारत छड्डो अंदोलन, दूजे विश्व युद्ध तो पिछों 8 अगस्त 1942 नूं गांधी जी ने भारत छड्डो अंदोलन शुरू किया। सरकार ने 9 अगस्त 1942 नूं गांधी जी अते कांग्रेस के होर नेतावान नूं गिरफ्तार कर लिया। यह खबर सुन के गुस्से विच आके लोगों ने थां थां ते पुलिस थाणियां, सरकारी भवनों, डाकखानियां ते रेलवे स्टेशनों नूं नुकसान पहुँचाया, परंतु अंग्रेजी सरकार अंदोलनकारियों नूं दबाउण विच सफल ना हो सकी। सो एग्जैक्ट डेट इत्थे दित्ती हुई है 8 अगस्त 1942, ठीक है। भारत छड्डो अंदोलन दूजे विश्व युद्ध तो पिछों 8 अगस्त 1942 नूं गांधी जी ने भारत छड्डो अंदोलन शुरू किया सी, ते सरकार ने 9 अगस्त 1942 नूं गांधी जी ते होर बहुत सारे नेतावां नूं गिरफ्तार कर लिया सी। ते खबर सुन के बहुत सारे लोगों ने गुस्से च आके पुलिस स्टेशन, सरकारी भवन, डाकखाने, रेलवे स्टेशन, मतलब जड़ियाँ भी सरकारी जगह सी उत्थे आके उन्होंने नुकसान पहुँचाया सी, पर जड़ी अंग्रेजी सरकार सी वो इन्हों दबाउण विच सफल नहीं हो सकी सी, ठीक है जी। सो ये सी तुहाडा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। सो ये चो तुसी अपनी पैंस की भी बायमंथली एग्जाम की भी तैयारी चंगी तरह कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, MCQs है, तो कंसैप्ट जी एक्सप्लेन किए हुई हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी ईजीली कर सकते हैं। तो जो वीडियो लैसनस तुहानू वधिया लगते हैं तो तुसी इन्हां नू अपने फ्रेंड्स दे नाल जरूर शेयर करो, ठीक है। तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि तुहानू सारियां वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो इस तों नाल ही इसी चैनल पर तुहाडी क्लास के इंग्लिश के सारे जिहड़े सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स है अगस्त तक के वह सारे कंप्लीट है वीडियो लैसनस प्रोपर, ठीक है। नाल नाल उहदियां बुक एक्सरसाइज जिहड़ियां एक्सप्लेन कीतियां होईयां वह भी तुसी इत्थों देख सकदे आ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।